बड़ी शर्म की बात है कि बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, डोल बजा रहे हैं कि हमने जे काम किया, हमारा जे विकास है, है कहाँ पे? ये है इनका असली विकास, कोई विकास नहीं है, सिर्फ क्या है जुमलाबाजी, क्या है ठगते हैं और क्या है, जुमलेबाजी सरकार है, दावा करते हैं। परेशानी ये है कि ना तो हमारी गलियां बनी हैं, ना पानी का कभी ऐसा बड़ा सिस्टम गलता है इनका। नेता लोग, लीडर लोग हमें हर बार बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें वोट दो भाइयों बहनों जे, लेकिन हम ऐसा नहीं, कभी नहीं खबर देंगे। इस बार पहले हमारे काम हो गए फिर उनको वोट मिलेगा। वोट लेने के तो आ जाते हैं, तो साढ़े एक गलियां साफ करने, साढ़ी गलियां बनाने वास्ते नहीं पैसा कदा किसी के, सानू तो गलांदे तुसीं वोट पाओ, अस तो वोट पाई दिंदे आ हर साल, जिन्ने बारी गलांदे इन्ने बारी अस वोट पाने, पर साढ़ी गलियां की कोई हालत नहीं दिखी सकता, सानू भी कोई दसा नहीं भी साढ़ी तुसीं कियां कियां जीने आ, कियां कियां नहीं। परात आ जी तां ला जे कोई बिच डिग नहीं पवे, तां टीन लाई गई राती, क्योंकि विकास बड़ा है ना ओदा, तां टीन लाई गई। ते कन्ने कन्ने आदे कठुआ ते जम्मू मंदर दा शहर है, पानी है डेंगू सारे को ज्यादा इत्थे होना, जिन्ना केस होगा गुरिंदर होना, जम्मू कश्मीर का पहला रेलवे स्टेशन आता इतना नहीं कोई भी रहा, आते नहीं कहावत भी है सियाने की, फिर कुत्ता पौंदा भी साफ करिए पौंदा, साढ़े तो कुत्ते कोला वाद आया उस कितने खराब है, ना रे है बीमारी, ना गलियां, ना कुछ। कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। बड़ी शर्म की बात है कि बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, डोल बजा रहे हैं कि हमने जे काम किया, हमारा जे विकास है, है कहाँ पे? ये है इनका असली विकास, कोई विकास नहीं है, सिर्फ क्या है जुमलाबाजी, क्या है कि सिलेंडर हमने फ्री दिए है, प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, उनके जो आगे नुमाइंदे वो कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने इनको सिलेंडर फ्री दिए, राशन फ्री दे रहा है, भाई पहले भी तो 35 किलो राशन मिलता था, आज कौन सा नया मिला है, सिलेंडर मिला है, अभी तक सब्सिडी नहीं आई है, वो भी झूठा है, सब्सिडी नहीं आई, उनके पैसे पूरे हो गए, 3000 कैसे मिलता था अभी मिल रहा है, यहाँ तो सब्सिडी आए। आम लोगों को कितनी दिक्कत है? दिक्कत ये है सबसे कि हमको सड़क नहीं है, कोई भी सड़क नहीं है, पानी नहीं है, इनके पास बंदे नहीं है, बंदों को बोलो वो कहते हैं हमको तनख्वाह ही नहीं मिल रही तो हम ड्यूटी कैसे करें। सर आपने पिछली बार भी गर्मी में देखा था कि कठुआ हॉस्पिटल में गोविंद सर के सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज थे, और जब पता चला तो वहाँ से टीम आई और दवाई देने लगी, और दवाई देने से क्या फ़ायदा, आप गली बनाओ, सड़कें बनाए, पानी मिले तो सभी नुमाइंदा आता नहीं है आपके, सर कोई नहीं आता।
अब आएंगे, अब 90 को वोट है ना, अब आएंगे, अब जो नहीं नहाया होगा उसके भी पाँव दबाएंगे कि चाचा वोट डालो, अभी चाचा डंडा ही रखेगा साथ में, तभी इनको सुध आएगी। क्या ठगा हुआ महसूस करते हैं आपके लोग? ठगते हैं और क्या है, जुमलेबाजी सरकार है, दावा करते हैं। हमारे जो माननीय बबलू जी हैं उनसे हमने दो बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हम काम लगा देंगे, काम लगा देंगे, अभी तक वो भी नहीं मिले। अभी वो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ ही ढोल बजा रहे हैं, गोविंद सर का कभी कोई नाम नहीं है। हम बबलू जी से, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये कहते हैं, सर ढोल बजाने से पहले गाँव गोविंद सर जहाँ पे आपने ट्रेन का जो वंदे भारत है उसका स्वागत किया है, जम्मू स्टेशन है, जम्मू स्टेशन का कठुआ नंबर वन पहले स्टेशन आता है, वंदे भारत तो दिया इतना बड़ा तोहफा, पर हमारे गरीबों के लिए जनरल डब्बा ही काफ़ी है, वंदे भारत की हमको ज़रूरत नहीं थी। हमको ज़रूरत है साफ़ सुथरा, गोविंद सर साफ़ सुथरा रहेगा, आने वाली जनता भी देखेगी, जो वंदे भारत का सफ़र करती है वो भी देखेंगी कि बाकी रेलवे स्टेशन कठुआ का जो है वो साफ़ सुथरा है, लेकिन जहाँ पे इतनी गंदगी है, हाईवे से आओ ऊपर को तो सारा सीमेंट का कचरा जो आंखों में डरता है, रात को बंदा सफ़र नहीं कर सकता है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में पड़ जाते हैं सीमेंट के कंकर। इनको दिखाना पड़ेगा कि दुनिया अब सोई नहीं है, जाग उठी है, डेली का जे कोई ना कोई गिर जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल शादी थी, कल लड़के आ रहे थे, दो आदमी गिरे, एक ही जे यहाँ से बाजू टूट गई है, अभी वो हॉस्पिटल में होगा, ये तो शर्म की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वरना हम वोट किसी को नहीं देंगे। जो जो भी लीडर आएगा या तो अपनी जेब से पैसा खर्चा करे या तो सरकार से ले, गली बनाएगा तो वोट देंगे, तो नहीं तो नहीं, नहीं तो डांग ही चलेगी भरा मेरे, और कुछ नहीं देना ही। हिम्मत कुमार है, परेशानी ये है कि ना तो हमारी गलियाँ बनी हैं, ना पानी का कभी ऐसा बड़ा सिस्टम गलता है इनका, और वो भी लाइट का भी ऐसा इनका सिस्टम होता है, लेकिन ये नेता लोग लीडर लोग हमें हर बार बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें वोट दो भाइयों बहन जे, लेकिन हम ऐसा नहीं कभी नहीं खड़े देंगे, इस बार पहले हमारे काम हो गए फिर उनको वोट मिलेगा, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे वो BSP हो चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, हमें पहले पर हमारा काम होगा, क्योंकि इन लोगों की कोई जुबान नहीं है, ये बाद में मुकर जाते हैं, अगर इनके घरों में जाओ कोई काम पड़े, साफ घर पर नहीं है, कहीं काम के हैं तो साफ अंदर ऐसे सोए होते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जी बहुत बार पंचों से बोला कि हमारी गलियाँ जो इतनी गंदी हैं इतने हैं, सब कुछ बोला उनको, तो वो ऐसे बोलते हैं उसका राज आने दो, उसका राज आने दो, उसको मंत्री बनने दो, उसको मंत्री बनने दो, ये हर बार हमको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं, लेकिन इस बार हम खुद उनको बेवकूफ़ बनाएंगे। हाजू खाली है, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं 11वीं 12वीं BA तक पढ़े हैं, वो कंपनियों में काम करते हैं बेचारे, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, तो रिश्तेदार को कोई नहीं आता, बोलते आपकी इतनी गलियाँ जो बहुत गंदी है, सफाई नहीं है, ये अब वो है, किसी भी गाँव में चले जाओ टाइलें लगी हैं, सफाई है, पानी है, हर चीज़ की सुविधा है, इधर कुछ भी नहीं है। कुमारा मैं गुरिंदर पंचायत ए से रहने वाला हाँ, कि किलोमीटर जड़ी गली है बिल्कुल सारी खराब है, और नालियों की हालत भी देखी सकते हो, तुम सुनता कोई नहीं, वोट लाने तो ही आई दे, पर अस थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै अस जिला एडमिनिस्ट्रेशन अगर गुजारिश करने कि जल्द कोला जल्द जेह्ड़ा ऐ साढ़ा काम कीता जाएगा म्युनिसिपल पंचायत च। सानूं परेशानी, साढ़ी गलियां बड़ियां बहुत गंदियां ने, हैं इहदे कन्नै सानूं बहुत बीमारी लग्गा दी है, जे नालियें च इन्नी गंदगी है, सब कोला पैह्लें हॉस्पिटल च साढ़े गमीसर दे जंदे ने, इन्नी कोई डेंगू आवा दा कोई किश आवा दा, नाली दी बड़ी गंदगी है, इन्नी इन्नी सरकार लोकें गी सड़कां डेडियां बड्डियां बना दी, करोड़ें स्हाबा रुपये खर्चा, क्या साढ़े गमीसर च पैसा नहीं कोई रक्खे दा, वोट लैने गी ते आई जंदे ने, ते साढ़े एह् गलियां साफ करने साढ़ी गलियां बनाने वास्तै नहीं पैसा कर रक्खी सकदे, सानूं ते गलांदे तुसीं वोट पाओ, अस ते वोट पाई दिन्ने आं, हर साल जिन्ने बारी गलांदे इन्ने बारी अस वोट पाने आं, पर साढ़ी गलियें दी कोई हालत नहीं दिक्खी सकदा।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਣਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਹੁਣ ਮੁੜੀਏ ਕੋਈ 15-16 ਦਿਨੇ ਕਿਤੇ ਮੁੜੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸੇ 19-20 ਤਰੀਕ ਮੁੜੀਏ ਵੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਦੇ ਆਹ ਸੱਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿਰਦੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਰਾਤੀ ਆਇਆ ਦੋ ਭਾਈ ਖਰੇ ਦੋ ਖਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਖਰੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਦੀ ਆਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਸਭ ਲੁੜੇ ਨੇ ਪਵਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਦਰ ਬਦਾਰ ਧਿੱਕੇ ਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 15-16 ਦਿਨ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜੀਏ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜੀਏ ਉਹਨੇ ਠੱਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰ ਜਾ ਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰ ਸੁਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਗਰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਡਸਟਬੀਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਦਾ